ह्यूमैनिटीज एट दैट ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए सो so, पहले तो जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को कॉमन सेक्शन थोड़ा सा भर दो मुझे आइडिया लग जाए हमारे बच्चे आ गए हैं क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन एंड यार तुम लोगों ने ही आ, बहुत ज्यादा डिमांड करी थी इस चैप्टर की इसीलिए मैं ये आज वन शॉट लेकर आई तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे क्लास में आओ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म जो कि तुम्हारा पॉलिटी का चैप्टर है उसे आज हम निपटा देंगे ठीक है आज के क्लास में खत्म कर देंगे हाय मैम आई एम अ न्यू स्टूडेंट हाय रीना कैसे हो आप विशाखा हाय। लेट ओपी, लेट ओपी यार जब भी तुम लोग लिखते हो मैं बताती हूँ तुम लोग हाँ तो इससे पहले वाला जो चैनल था उसमें तुम लोग ऐसे भर देते थे लेट ओपी लेट ओपी पी एक मिनट लेट होता था तो एनी anyway, आन्या हाय गुड इवनिंग रीना हाय तबियत अनवेशा मेरी थोड़ी सी बेटर है पिछले क्लास में भी आई थिंक आशीष कह रहा था कि आपकी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है तो अभी हंड्रेड परसेंट सही तो नहीं हूँ पर हाँ इतनी ठीक हो गई हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा पाऊँ तुम्हें रीना मैं ठीक हूँ आनिया हाई गुड इवनिंग ओके तो हाँ थोड़े बहुत बच्चे आ गए हैं क्लास में तो मैं बताती हूं आज की क्लास में हमें क्या करना है आगमन हाई गुड इवनिंग हाँ तो फेडरलिज्म जो कि हमारा पॉलिटी का चैप्टर है इसका वन शॉर्ट रिविजन है आज के क्लास में ठीक है पूरे चैप्टर को आज के क्लास में हम कवर करेंगे ध्यान रखना ये हमारा वन शॉर्ट रिविजन है मतलब पूरे चैप्टर की सम वॉट एक समरी होगी तो अगर तुम्हें एक एक लाइन एक एक वर्ड इन डिटेल समझना है तो उसके भी एक एक टॉपिक वाइज लेक्चर्स आ जाएंगे इस चैनल पर पर फिलहाल वन शॉर्ट रिविजन है एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं जितने भी नए बच्चे हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट तुम लोगों को मिलता रहे टाइम टू टाइम एंड जो हमारे पुराने बच्चे हैं तुम्हें पता ही है क्या करना है वीडियो लाइक करो शेयर करो सारे क्लासमेट्स को यहाँ पर ले आओ फिर करते हैं स्टार्ट हाँ रेशमी शर्मा हेलो गायत्री गुड इवनिंग मैम आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट नाउ ह्यूमैन अच्छा गायत्री आप टेंथ से इलेवेंथ में आए और आपने ह्यूमैनिटीज लिया है uh, मैम आपके पढ़ uh, ले से चैप्टर फाइव रीना दैट इज़ ग्रेट चलो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन फेडरलिज्म हमारा चैप्टर है ठीक है करते हैं स्टार्ट तो हमारा पहला टॉपिक यह है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं बाई दिस सेशन जब तक से चैप्टर खत्म होगा तुम्हें क्या क्या समझ आ जाएगा सबसे पहले तो हम समझेंगे वॉट इज फेडरलिज्म फेडरलिज्म होता क्या है नेक्स्ट द फेडरल प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में फेडरलिज्म को कैसे लिखा गया है रिप्रेजेंट करा गया है द इश्यूज इन्वॉल्व इन रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन के बारे में इश्यूज जो जनरेट होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन स्टेट्स तो हमारे कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दी गई हैं वो भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जोग्राफी का लेक्चर यार अभी तो लाई थी मैं ठीक है तो लैंड फॉर्म एंड द रेवल्यूशन का वन शॉट मैंने इस चैनल पे डाल दिया है आ, आप में से काफी सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया उसका तो हाँ अभी एक बार पॉलिटी करने दो उसके बाद फिर से जोग्राफी आ जाएगा टेंशन मत लो चलो तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं आगे बढ़ते हैं चैप्टर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि फेडरलिज्म होता क्या है वॉट इज फेडरलिज्म एंड ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल उठाएंगे ठीक है तो यूएसएसआर के बारे में सबको पता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर था यूएसएसआर है ना पर 1989 के बाद क्या हुआ हमारा जो यूएसएसआर है ये ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है मतलब ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है और जो पूरा यूएसएसआर था उसमें से छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाती हैं एक मेन रीजन जिसके वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है वो ये था कि यूएसएसआर में सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप अपनी चला रहा है ठीक है जैसे अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी चलाती रहती है ठीक है तो यूएसएसआर में कौन अपनी चलाता था रशिया रशिया का डोमिनेंस बहुत था रशिया बाकी कंट्रीज को ऐसे धमकाते रहते थे ये लोग ठीक है कि तुम हमारा कल्चर फॉलो करो अपना कल्चर भूल जाओ तो इस तरीके से रशिया बहुत डोमिनेंट था यूएसएसआर में जिसके चलते आगे जाकर यूएसए हमारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है अब ऐसी चीज़ें ना हमने बाकी कंट्रीज़ के साथ भी देखी हैं ऐसा पाकिस्तान के साथ हुआ है कैसे पाकिस्तान का अगर मैं बताऊं तुम्हें तो आज के टाइम पे जो हमारी कंट्री है बांग्लादेश तो बांग्लादेश ना पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था ठीक है उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था आ, पर फिर क्या हुआ जो वेस्ट पाकिस्तान मतलब ओरिजिनल पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बांग्लादेश के लोगों के कल्चर को सप्रेस करते थे बांग्लादेश ने कहा ऐसा नहीं चलेगा फिर बांग्लादेश अलग कंट्री बन जाती है कैनेडा केम वेरी क्लोज टू अ ब्रेकअप कैनेडा भी मतलब ऑलमोस्ट बटने ही वाला था इंग्लिश स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स में तो ऐसा बाकी कंट्रीज के साथ भी हो रखा है कि डाइवर्सिटी <coughs> ज़्यादा है एंड उसके वजह से वो कंट्री बट गई पार्टीशन हो गया ठीक है तो जब हम इन सारे कंट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं आप लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी तो अगर हम इन सब कंट्रीज को देखें हमारा इंडिया तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है 1947 में अपनी ये कंट्री बनी और हमारे कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी है वो कहीं और नहीं है एंड आज के टाइम पर भी हमारी कंट्री इट इज वेरी मच यूनाइटेड और हम लोग बढ़िया चल रहे हैं है ना तो व्हाट अकाउंट्स फॉर दिस अचीवमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है इंडिया ने इस अचीवमेंट को कैसे फुलफिल करा ऐसा कैसा चल रहा है इंडिया में कि डायवर्सिटी बहुत ज़्यादा है फिर भी हमारे कंट्री में यूनिटी बनी हुई है तो आप में से काफी बच्चों को लग रहा होगा क्योंकि चैप्टर का नाम फेडरलिज्म है तो दीदी यही जवाब होगा इंडिया में फेडरलिज्म है इसलिए इंडिया अभी तक यूनाइटेड चल रही है काफी बच्चों को लग रहा होगा ऐसा पर इसमें कमाल की बात यह है कि अभी हमने जितने कंट्रीज की बात करी ऐसे तो वहां पर भी फेडरलिज्म है तो उनमें क्यों पार्टीशन हो गया या यूएसएसआर क्यों डिस हो गया फेडरलिज्म फेडरलिज्म तो उन कंट्रीज में भी था ठीक है Therefore, apart अपार्ट फ्रॉम federal फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम इज देखो फेडरलिज्म लाना अच्छी बात है पर उसके अलावा तुम फेडरलिज्म को फॉलो कैसे कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम इसे थोड़ा इस तरीके से समझो कि मान लो मैंने कुछ नोट्स बनाए और मैंने तुम लोगों को पकड़ा दिए कि यार ये बेस्ट नोट्स हैं ठीक है इससे तैयारी करोगे तो तुम एग्जाम में मचाओगे ठीक है मान लो तो एक फैक्टर तो ये है कि मैंने नोट्स दे दिए तुम सबको जिनके पास नोट्स हैं वो अच्छे नंबर लाएंगे पर इस पर भी तो डिपेंड करता है ना कि तुम लोग उस नोट्स को यूज कैसे करोगे एक बच्चा होगा वो उस नोट्स को ऐसे फाड़ के फेंक देगा कि पढ़ाई तो करनी ही नहीं ठीक है दूसरा बच्चा होगा वो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेगा कि यार दीदी कुछ तो बोल रही थी क्लास में देख लेते हैं तीसरा बच्चा एकदम दिल से शिद्दत के साथ उस नोट्स को पढ़ लेगा है ना और तीनों के रिजल्ट अलग आएंगे कहने को तीनों ने ही मेरे नोट्स से तैयारी करी थी तो ऐसा ही कुछ कंट्रीज के साथ है कहने को सब सारी कंट्रीज फेडरल है सारी मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज फेडरल है पर वो लोग फेडरलिज्म कैसे फॉलो करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका फेडरलिज्म का नेचर क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल फेडरलिज्म का ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि मैंने आपको कोई एक प्रिंसिपल या एक कॉन्सेप्ट लिख के दे दिया कि भाई ये फेडरलिज्म है ये अपना ले ठीक है फेडरलिज्म एक ऐसी चीज है जो हर एक कंट्री के हिस्ट्री और कल्चर एंड कंडीशंस के हिसाब से इवॉल्व होती है विद टाइम जैसे अमेरिका में फेडरलिज्म है जर्मनी में भी है इंडिया में भी है पर इन तीनों कंट्रीज का फेडरलिज्म का नेचर बहुत ज्यादा अलग है अमेरिका का फेडरलिज्म अलग है हमारा फेडरलिज्म अलग है जर्मनी का फेडरलिज्म अलग है ओके पर फिर भी सबका फेडरलिज्म अलग है पर फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर फेडरलिज्म में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी ठीक है फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर फेडरलिज्म में हर फेडरेशन में आपको देखने को मिलेंगी उन कुछ चीजों को हम डिस्कस करेंगे अभी पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है आज तो दिव्यांशु भैया भी हैं अच्छा ओके okay, मैम आप अच्छा पढ़ाती हो रीना थैंक यू सो मच हर्ष हाई गुड इवनिंग चलो तो समझते हैं फेडरलिज्म क्या है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अकोमोडेट टू सेट ऑफ पॉलिटीज ठीक है तो फेडरलिज्म एक आ, ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग दो सेट ऑफ पॉलिटिक्स को संभालते हैं ठीक है थोड़ा अजीब अजीब सा जा रहा है ना बहुत आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो फेडरलिज्म क्या है जब हम अपने गवर्नमेंट को ऐसे अलग अलग लेवल्स में बांट देते हैं जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नीचे मतलब स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है एंड फिर ठीक है एक तो ये अजीब सी चीज मिटा देते हैं हाँ उसके बाद लोकल गवर्नमेंट भी है तो ये जो अलग अलग लेवल्स होते हैं ना गवर्नमेंट के इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं ठीक है है तो ये फेडरलिज्म फेडरलिज्म होता जनरली में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इतना तो होता ही होता है ठीक है तो बेसिकली यही मतलब होता है फेडरलिज्म का ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस इन इट्स ओन स्पियर दोनों गवर्नमेंट के पास अपना अपना काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को गवर्न करेगी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर फंक्शन करेगी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ड्यूएल सिटीजनशिप अलाउ कर देती है मतलब आप दो एरियाज के सिटीजन रह सकते हो इंडिया में ऐसा नहीं होता इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है ओके तो फेडरलिज्म में जनरली क्या होता है लोगों की ना दो आइडेंटिटी होती है दो आइडेंटिटी का क्या मतलब है जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैं केरला से हूं है ना तो अगर कोई मेरे से आके पूछता है कि यार बताओ आपकी आइडेंटिटी क्या है तो मेरी दो आइडेंटिटी होंगी कि एक तो मैं केरला से हूं है ना तो एक तो मैं मलयाली हूं एक आइडेंटिटी मेरी वो हो गई दूसरी आइडेंटिटी चाहे मैं केरला से रहूं हरियाणा से रहूं गुजरात से मैं किस भी, किसी भी स्टेट से रहूं दूसरी आइडेंटिटी तो मेरी ये भी है ना कि कुछ भी हो जाए मैं हूं तो इंडियन तो ऐसे दो सेट्स ऑफ आइडेंटिटी हर एक इंडियन की होती है ठीक है चलो नेक्स्ट द डिटेल ऑफ दिस ड्यूअल सिस्टम आर जनरली स्पेल्ड आउट इन अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है क्या होता है फेडरलिज्म में हमने अभी पढ़ा कि अलग अलग सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट के लोग क्या करेंगे ये चीजें हम लोग क्लियरली संविधान में लिख देते हैं ताकि किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना रहे ठीक है फेडरलिज्म में हम लोग क्या करते हैं क्लियरली चीजों को संविधान में लिख देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या का क्या रोल होगा स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा सर्टन सब्जेक्ट विच कंसर्न नेशन एज अ होल फॉर एग्जाम्पल डिफेंस करेंसी आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो पूरे कंट्री को अफेक्ट करते हैं जैसे डिफेंस हो गया ठीक है और करेंसी हो गया इन सबको संभालना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है ठीक है और रीजनल मैटर्स को स्टेट लेवल पर मैटर्स को संभालना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेंटर और स्टेट आपस में लड़ने लग जाए है ना मतलब कुछ भी हो सकता है और ये होता भी है तुम लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में काफ़ी लड़ती भी है तो उन आ, डिस्प्यूट्स को उन कन्फ्लिक्ट को सुलझाना हमारी जुडिशरी का काम है ठीक है तो जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दो स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ रही हो तो उनको उन दिक्कतों को सुलझाना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। चलो, है चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान में फेडरलिज्म को हम लोग कैसे मानते हैं हेलो दीदी आई एम कनिष्का हाय कनिष्का कैसे हो आप हा चलो तो जब हमें आजादी मिली ना तो उस टाइम पर ज्यादातर हमारे लीडर्स मानते थे कि क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है क्योंकि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी इतनी जा, इत, इतनी ज्यादा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करें हम अपने पावर्स को डिवाइड कर लें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इतना डिविजन होना चाहिए ये हमारे सारे लीडर्स मानते थे कि इंडिया में ये तो हमें करना पड़ेगा ठीक है पर हमारे दिमाग में पता है क्या क्वेश्चन था किस हद तक किसको कितनी पावर दे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर दे और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग कितनी पावर दें ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू फ्रेम अ गवर्नमेंट दैट वुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली डिसाइड करती है कि देखो यार हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करें उनके बीच में यूनिटी हो एंड उनके बीच में कॉपरेशन हो मेरे क्लास सेवेंथ के बच्चे भी आ रखे हाय रीना आपका टेस्ट अच्छा हुआ हिस्ट्री पढ़कर आई एम सो प्राउड ऑफ यू रीना बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम अडॉप्टेड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रिंसिपल दैट रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर वुड बी बेस्ड ऑन कॉपरेशन तो याद रखना हमारे इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कॉपरेशन के साथ काम करेंगे ठीक है और ये हम लोगों ने बहुत क्लियर कर रखा है एक फन फैक्ट है जो कि तुम्हारे बुक में बता रखा है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मैं दर्ड फेडरेशन पूरा पूरा चैप्टर चल रहा है ना फेडरलिज्म के ऊपर पर कमाल की बात यह है कि हमारा जो संविधान है इंडिया का उसमें कहीं पर यह शब्द लिखा ही नहीं हुआ फेडरेशन वर्ड एग्जैक्टली हमने पूरे संविधान में कहीं यूज ही नहीं कर रखा ठीक है हमने फेडरेशन के बारे में बस इतना सा ही लिखा हुआ है पर इसमें फेडरेशन वर्ड कहीं पर यूज नहीं हो रहा है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीज़न ऑफ पावर मतलब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितनी कैसे पावर्स दे रखी हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे दीदी आपके पढ़ाने से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं अमृत थैंक यू सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी वैष्णवी पहले सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाने दो नजर फातिमा हेलो साहू हेलो बेटा गुड इवनिंग ओके <clears throat> तो हमने अपने संविधान में क्लियरली लिख रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है ठीक है ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो ओके okay? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन दी हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल जितनी भी मनी रिलेटेड पावर्स है ना वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के पास काम तो बहुत सारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी है पर पैसा रेवेन्यू मनी उतना ज्यादा नहीं है ये एक डायग्राम है जो कि डायग्राम तो क्या फ्लो चार्ट है जो कि तुम्हारे बुक में दे रखा है तो हम इसे डिस्कस करेंगे आ, इससे तुम्हें पता चलेगा कि यूनियन गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है स्टेट्स गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है तो हमारे संविधान में ना बेसिकली तीन लिस्ट हैं एक है यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक्स लिखे हैं जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं उसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है एक है स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं उसके ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है और एक है कंकरेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है तो ये तीन लिस्ट है अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं अनमोल हाई हेलो नेचर लवर हेलो बेटा हाँ तो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो कि हमने किसी लिस्ट में लिखे ही नहीं ठीक है जैसे जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों के बारे में बात नहीं होती थी ज्यादा ठीक है तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि किसी लिस्ट में नहीं लिखे उन्हें हम कहते हैं मतलब रह गए लिस्ट में नहीं लिखा तो रेजिडरी पावर हमारे यूनियन लिस्ट में चली जाती है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है ऐसी चीजों को चलो बाकी हमने ये डायग्राम डिस्कस कर लिया है आगे बढ़ते हैं फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे इंडिया में क्या है फेडरलिज्म तो है सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी है और इन दोनों में से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है ठीक है कैसे पावरफुल है वो सारी चीजें अभी तुम पढ़ोगे अभी के लिए समझ लो कि हाँ हमारे फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है ओके दे वॉन्टेड टू क्रिएट अस्ट्रॉग सेंटर टू स्टेम डिस इंटीग्रेशन एंड ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज जब हमारा इंडिया बन रहा था तब थोड़ा सा सोचो क्या क्या हालात थे पाकिस्तान बन गया था पार्टीशन हो रहा था फाइव हंड्रेड से ज्यादा पांच सौ से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको हमें मनाना था कि यार तुम इंडिया का पार्ट बन जाओ तो हमें लगा ये सारी चीजें करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट हो तभी हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि शायद इंडिया में हम यूनिटी नहीं बना पाएंगे ठीक है और साथ ही साथ इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी तो हमने ये डिसाइड करा इन सारी चीज़ों को संभालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ठीक है अन्वेषा हाय हम्म, की याद आ गई हाँ टेंथ में भी तुम आ, पढ़ते हो फेडरलिज्म ठीक है चलो नेक्स्ट अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि अच्छा सही में हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से ठीक है तो कैसे कितनी पावरफुल है वो सब तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगेगा ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट क्या है वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज इन दी हैंड ऑफ पार्लियमेंट ठीक है तो एक स्टेट बनाना स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करना ये सब काम हमारा पार्लियामेंट संभालता है ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेट का एग्जिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है तो यहां से हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है ओके नेक्स्ट हम सबको पता है हमारे संविधान में इमरजेंसी की बात करी जाती है है ना अगर कल को कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉर कन्फ्लिक्ट ये सब होता है तो हमारी गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है और जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है ठीक है तो इमरजेंसी के टाइम पर भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है तो चलो ये तो हमारा वो हो गया क्या कहते हैं इमरजेंसी अगर हम नॉर्मल सर्कम की बात करें तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होते हैं मनी रिलेटेड मैटर्स में मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास काम तो बहुत सारा होता है पर उनके पास पैसे नहीं होते ठीक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होते हैं पैसों के लिए ओके तो यहां से भी हमें पता चलता है कि अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है ठीक है द गवर्नर है पावर्स टू रेकमेंड डिसमिसल ऑफ ऑफ स्टेट स्टेट गवर्नमेंट एंड द असेंबली तो हमारे state में गवर्नर होते हैं और गवर्नर को हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट मानते हैं और हमारे गवर्नर के पास कुछ कुछ पावर्स होती हैं जिसके थ्रू वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं हटा सकते हैं असेंबली को हटा सकते हैं ठीक है तो इससे भी हमें पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है ठीक है कभी कभी क्या होता है मैंने अभी तुम्हें कुछ लिस्ट दिखाई ना यूनियन लिस्ट आ, स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट तो मैंने आपसे कहा स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर कानून हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है पर कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है पर ऐसे में राज्यसभा को वो परमिशन देनी पड़ती है पर हाँ ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है ओके okay. और मैम आपको मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे अंश हाई तो यार आ, तुमने मैसेज करा था तो बहुत ही बढ़िया है पर मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई देती हूँ यार इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो थोड़ा सा सब्र करो रिप्लाई मिल जाएगा पर थोड़ा सा लेट मिलेगा ठीक है जैसे ही मैं क्लासेस से फ्री होती हूँ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी चाहत हाई कशिश गुड इवनिंग ओके आगे बढ़ते हैं द ऑल इंडिया सर्विस आर कॉमन टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया तो अगर हम बात करें एक आई ए ऑफिसर की या फिर एक आई ऑफिसर की ठीक है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे जितने आई ए एस आई पी एस ऑफिसर्स ये सब होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के लोग किसी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते या फिर इन्हें हटा भी नहीं सकते तो यहां से भी हमें पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है नेक्स्ट आर्टिकल थर्टी थ्री एंड थर्टी फोर ऑथराइज पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन इन सर्विस ऑफ यूनियन और ए स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ तो जब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है ना किसी एरिया में ताकि वहाँ पर ऑर्डर को हम प्रोटेक्ट कर पाए पीस एंड ऑर्डर को मार्शल लॉ में बेसिकली ये ये होता है कि मिलिट्री की पावर्स थोड़ी बढ़ जाती हैं तो उस टाइम पर हमारी जो पार्लियामेंट है वो किसी भी यूनियन या फिर स्टेट के पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकती है तो यहाँ से भी पता चलता है कि अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा पावरफुल है ठीक है तो अभी हमने ऊपर ऊपर से इंडिया का सिस्टम समझ लिया कि कैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बना रखा है अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्फ्लिक्ट इंडियाज़ फेडरल सिस्टम हमारे इंडिया के फेडरल सिस्टम में क्या दिक्कतें आती हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है थीके? तो अक्सर ऐसा होता है हमारे कंट्री में कि जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं वो बोलते रहते हैं कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है हमारी पावर्स कम है हमारी पावर्स को बढ़ाओ ठीक है तो अक्सर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावर्स की मांग डिमांड रखते हैं ओके okay? नेक्स्ट है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन ठीक है सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो याद रखना बच्चों संविधान ना सिर्फ एक स्केलेटन की तरह है, है क्या संविधान संविधान बेसिकली एक फ्रेमवर्क है ठीक है उस फ्रेमवर्क को हम लोग कैसे संभालते हैं हम लोग कैसे चलाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्केलेटन की तरह है उस स्केलेटन का फ्लैश और ब्लड पॉलिटिक्स से आता है ठीक है तो हमारे कंट्री में जिस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा उससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारे फेडरलिज्म के ऊपर ठीक है जैसे आ, अभी तुम बड़ी क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें ये पूरा पूरा समझाया जाता है कि 1952 से लेकर 1967 तक ना कांग्रेस बहुत ही बढ़िया कर रही होती है ठीक है हर जगह कांग्रेस जीत रही होती है तो इस टाइम पर ना ज्यादा दिक्कत नहीं आती गौ। सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा लड़ती नहीं थी क्योंकि सेंटर पर भी कांग्रेस थी स्टेट में भी कांग्रेस थी ठीक है कुछ टाइम के बाद क्या होता है कांग्रेस हमारी धीरे धीरे हारने लग जाती है ठीक है तो एक टाइम ऐसा आता है जब सेंटर पे कांग्रेस थी पर स्टेट में कोई और पार्टी थी उस टाइम पे सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी ये लोग इधर उधर लड़ते रहते थे उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब कोयलेशन ठीक है गठबंधन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया तो कोयलेशन के चलते क्या हुआ जब कोयलेशन थोड़ा कॉमन हो गया उस टाइम पर हमने क्या देखा उस टाइम पर धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग में आने लग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड फॉर ऑटोनॉमी मतलब कैसे अलग अलग स्टेट्स ये डिमांड करते हैं कि हमारी पावर्स को बढ़ाओके okay? कि हमें थोड़ी और पावर्स चाहिए तो ये जो शब्द है ना ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी का मतलब है कि हमारे पावर्स को बढ़ाओ पर हर स्टेट के लिए ऑटोनॉमी शब्द का मतलब अलग होता है कैसे अभी हम समझेंगे ठीक है समटाइम्स दीस डिमांड एक्सपेक्ट द डिविजन ऑफ पावर शुड बी चेंज इन फेवर ऑफ स्टेट तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को बढ़ा दो कौन कौन है वो तमिलनाडु पंजाब वेस्ट बंगाल ये सारे लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा दो ओके अनादर डिमांड इज दैट स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू का सोर्स इंडिपेंडेंट कर दो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर हैं पैसों के लिए ऐसा कौन कहता है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अक्सर ऐसा कहती है कि हमारे रेवेन्यू सोर्सेस को इंडिपेंडेंट कर दो ठीक है नेक्स्ट क्या है थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड्स रिलेट टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट स्टेट्स रिजेंट द कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जनरली क्या होता है स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा संभालती है तो अक्सर स्टेट्स ये भी कहती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए कभी-कभी जब स्टेट्स ऑटोनॉमी की बात करती हैं तो वो कल्चर और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से कनेक्टेड होता है जैसे तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु ने हिंदी डोमिनेशन के खिलाफ बहुत बोला है ठीक है कि आप हम अपने स्टेट में तमिल को एंगेज करेंगे सिमिलरली डिमांड फॉर एडवांसिंग पंजाबी लैंग्वेज पंजाब के जो लोग हैं वो पंजाबी लैंग्वेज को एडवांस करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं तो कभी कभी ऑटोनॉमी कल्चर या फिर लैंग्वेज के इशूज से भी रिलेटेड होता है हाँ लक्ष्य हाई आर्यन हेलो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो चलो नेक्स्ट टॉपिक है आज जंग है हाँ पहले ये चैप्टर खत्म हो जाने दो यार फिर मैं बताती हूँ आज और कौन कौन सी क्लासेस हैं और कल क्या स्पेशल है तुम्हारे लिए सब बताती हूँ थोड़ा सा टाइम दो ठीक है क्योंकि मैं आ, मुझे पता है जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बहुत टाइम बाद जब तुम लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे काफी सारे बच्चे इस लेक्चर को खोलेंगे और मतलब एंड मोमेंट में कुछ कुछ तैयारी कर रहे होंगे तो तब उन बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसलिए मैं आज थोड़ा मतलब बातचीत कम कर रही हूं तुम लोगों से ठीक है पहले चैप्टर खत्म करते हैं फिर गप्पे मार लेना ओके रोल ऑफ गवर्नर्स एंड रूल नेक्स्ट फेडरलिज्म में गवर्नर का रूल क्या होता है आ, गवर्नर का रोल क्या होता है प्रेजिडेंट रूल क्या होता है ये सब समझते हैं तो गवर्नर के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करते हैं ठीक है तो मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर होते हैं वो इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं होते ऐसा नहीं होता कि उनका प्रॉपर इलेक्शन या कुछ हुआ होता है ज़्यादातर गवर्नर्स हमारे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर या सिविल सर्वेंट्स होते हैं या कोई पॉलिटिशियन होते हैं और जो गवर्नर होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नर होते तो स्टेट में है पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंट है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीका हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीका हो गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखने का तो काफी सारे स्टेट्स को यह पसंद नहीं है कि गवर्नर अक्सर चीजों में इंटरफेयर करते हैं या गवर्नर हमारे ऊपर नजर रखते हैं ठीक है द सरकारिया कमीशन दैट वॉज अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन इशू रिलेटिंग सेंटर स्टेट रिलेशन रेकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्ट ठीक है तो एक हमारी कमीशन थी सरकारिया कमीशन कहते हैं इसे एंड इस कमीशन को हमने बनाया था और कहा था कि तुम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप को थोड़ा पढ़ो और समझो ठीक है तो सरकारिया कमीशन ने यह कहा था कि जो गवर्नर है ना उनका पार्टी के साथ कोई लेना देना होना नहीं चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी एक पार्टी को पसंद करते हो इसलिए तुमने किसी एक इंसान को गवर्नर बना दिया ऐसा करना गलत होगा ऐसा हमारा आ, ऐसे हमारे सरकार या कमीशन ने कहा था ठीक है एक और रीजन है जिसके वजह से गवर्नर के रोल को थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना जाता है आ, जैसे कि आपको पता है जब हम लोग इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है एक स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल स्टार्ट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उस स्टेट को पूरा कंट्रोल करने बैठ जाती है और जो गवर्नर है गवर्नर हैज द पावर टू रेकमेंड द डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के पास यह पावर भी होती है कि वो रेकमेंड करे कि इस स्टेट गवर्नमेंट को हटा दो ठीक है तो केरला में भी बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है केरला गवर्नमेंट ने अक्सर कहा है कि ये जो पावर है वो गलत है केरला में ऐसा हो भी रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जबकि स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादातर जो लोग थे उनको जनता ने चुना था बहुत बढ़िया मेजोरिटी में थे ठीक है तो इस वजह से भी लोग गवर्नर के रोल को ज्यादा पसंद नहीं करते मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल है सम केसेस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट हैज रूल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसीजन टू इम्पोज प्रेजिडेंट रूल कैन बी एग्जाम को बुला लिया और बोला कि आप बताओ क्या होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल रखा है कि जब प्रेजिडेंट रूल डिक्लेयर करा जाता है तो उसे जुडिशियरी एग्जामिन कर सकती है कि क्या यहाँ पर प्रेजिडेंशियल रूल लगाना सही है या गलत है ऐसा जुडिशियरी रिसर्च कर सकती है मतलब एग्जामिन कर सकती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट में बेसिकली आप पढ़ोगे कि कैसे आ, कुछ टाइम के अंदर क्या होता है अलग अलग लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं कि हमें अपना खुद का स्टेट बनाना है जैसे आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ रखा है आंध्र प्रदेश से शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश में लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि हमें लैंग्वेज के आधार पर भाषा के आधार पर स्टेट चाहिए नाइनटीन में रीऑर्गेनाइजेशन हम लोग करते भी हैं बहुत सारे स्टेट्स का ठीक है अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन भी होता है तो उसके बारे में तुम्हें थोड़ा थोड़ा भी बताया जाएगा ठीक है तो गुजरात और महाराष्ट्र इनको हमने कब क्रिएट करा था नाइनटीन में पंजाब और हरियाणा को हम लोग सेपरेट करते हैं पहले पंजाब और हरियाणा साथ में थे 1966 में इन्हें सेपरेट करते हैं बाद में क्या होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हम लोग रीऑर्गेनाइज करते हैं और वहां पर नए स्टेट्स बनाते हैं जैसे कि मणिपुर त्रिपुरा मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश इन सबको हम लोग क्रिएट करते हैं इन 2000 थाउजेंड लार्जेस्ट स्टेट्स व फर्दर डिवाइडेड 2000 थाउजेंड 2000 टू में थोड़े और जो बड़े स्टेट्स थे हमने उनको भी बांट दिया ठीक है दस मध्य प्रदेश यूपी एंड बिहार वर डिवाइडेड ठीक है तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार को हमने डिवाइड करा और थोड़े और स्टेट्स बनाए ठीक है जैसे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड ठीक है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ यूपी से उत्तराखंड बिहार से झारखंड सम रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग ठीक है कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आज भी स्ट्रगल करते हैं आज भी बोलते हैं कि हमको आप अलग स्टेट प्रोवाइड कर दो ठीक है सो आई ओनली रियलाइज यू लेफ्ट अ वीक अ गो सो डू यू माइंड टेलिंग वाई यू डोंट हैव टू इफ यू डोंट वॉन्ट टू दो आशुतोष हाय सो हाँ यार मेरे से काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि आपने अपना पुराना वाला चैनल क्यों छोड़ा तो आ, हाँ फर्स्टली लेट मी क्लियर दिस आउट तुम में से काफ़ी सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम में ये पूछा अब मैं नाम नहीं ले सकती ठीक है पर तुम लोगों ने पूछा है कि क्या उन दोनों ने आपको कुछ परेशान करा क्या मतलब दे वर रूट टू यू ऐसा कुछ हुआ है क्या तो लेट मी क्लियर दिस आउट ऐसा कुछ नहीं है दे वर वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल पीपल ठीक है मतलब बहुत काइंड पीपल है एंड वी आर ऑल मतलब फ्रेंड्स वी आर ऑल मतलब वी आर ऑल टॉकिंग टर्म्स कुछ भी नहीं हुआ पर मतलब हाँ आई हैड टू लीव दैट प्लेस ठीक है अब क्यों कैसे अभी तुम छोटे बच्चे हो यार मैं तुम्हें एक्जैक्टली exactly सारी चीज़ें समझा नहीं सकती ठीक है बट हाँ वॉट आई कैन से इज कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कौन से चैनल पर पढ़ा रही हूँ मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ है ना क्योंकि पढ़ा तो रही हूँ ना जब तक पढ़ा रही हूँ तुम लोग आ जाया करो क्लास में बस ठीक है कुछ नहीं बदला है बस चैनल ही तो बदला है एंड आई डोंट थिंक उससे तुम्हें कुछ फर्क पड़ना चाहिए तुम्हारी दीदी पढ़ा रही है तो तुम पढ़ लो बस हम्म मैम आपकी इंस्टा आईडी क्या है अच्छा तो अगर आप लोग कभी आ, रीच आउट करना चाहो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डी यहाँ पे बता देती हूँ अनुष्या डॉट के तुम लोग यहां पर रीच आउट कर सकते हो ओके okay? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट में बेसिकली तुम्हें यह बताया जा रहा है कि कभी कभी स्टेट्स आपस में लड़ते हैं क्यों लड़ते हैं वो डिस्कस करते हैं वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट इज डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ओवर द सिटी ऑफ बेलगाम ठीक है तो कभी कभी दो स्टेट्स आपस में लड़ते हैं बॉर्डर की वजह से टेरिटरी की वजह से कि यह शहर मेरा है या ये गांव मेरा है ऐसे तो एक एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा है महाराष्ट्र और कर्नाटका के लोग बेलगाम के ऊपर लड़ते हैं मणिपुर और नागालैंड में भी बॉर्डर से रिलेटेड लड़ाई चलती रहती है ओके नेक्स्ट जब हरियाणा और पंजाब बन रहे थे तब छत्तीस सॉरी तब चंडीगढ़ के ऊपर लड़ाई हो रही थी ठीक है कि चंडीगढ़ का हम लोग क्या करें अब तुम्हें पता होगा कि अब तो ये कैपिटल शेयर करा जाता है है ना पर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ इससे रिलेटेड 1985 में तब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी ही रीच एन अंडरस्टैंडिंग विथ पंजाब अकॉर्डिंग टू दिस चंडीगढ़ वॉज टू बी हैंडेड ओवर टू पंजाब ठीक है तो उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने वो एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे थे कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे देना चाहिए ठीक है पर वो अभी तक हुआ नहीं है तो चंडीगढ़ को शेयर किया जाता है ओके चलो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही आ, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता दो मेरी आवाज आ रही है क्या वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन दीदी अन्वेषा थैंक यू सो मच अच्छा सबको सुनाई दे रहा है करण हेलो। ओके चलो तो एक तो स्टेट्स बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं ये हमने समझ लिया नेक्स्ट जो हमारे स्टेट्स हैं बॉर्डर के अलावा ये लोग रिवर ठीक है पानी के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं तो आप आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कावेरी नदी के बारे में सुना होगा ठीक है सो so, कावेरी के आ, पानी को लेकर बहुत डिस्प्यूट होता है तमिलनाडु और कर्नाटक कर्नाटका के बीच में ठीक है इन अनदर सिमिलर डिस्प्यूट गुजरात मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र बैटलिंग ओवर नर्मदा नदी सिमिलरली गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग नर्मदा नदी के ऊपर लड़ते हैं कि इसके वाटर को हम लोग कैसे शेयर करें तो ये कुछ रीजन हैं जिसके वजह से जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ते रहते हैं पर हाँ हमें यह भी पता है कि ऐसे में जुडिशरी इंटरफेयर करती है एंड दे सॉल्व इट आउट ठीक है नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन में आपको बताया जा रहा है कि हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको हमने थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रखी है ठीक है फॉर वेरियस रीजंस। तो जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को देखो आ, आसाम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मिज़ोरम इन सबको हमने स्पेशल प्रोविज़न दे रखी है एंड इसका कारण क्या है अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है इन सारे एरियाज़ का बहुत ही रिच हिस्ट्री बहुत ही स्पेशल कल्चर है तो इसीलिए हम लोगों ने इनको थोड़ा एक स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है ठीक है इस एरिया को थोड़ा और प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमारे हिली स्टेट्स में भी है स्पेशल प्रोविजन जैसे कि हिमाचल प्रदेश और कुछ और स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश गोवा गुजरात महाराष्ट्र सिक्किम और तेलंगाना ठीक है नेक्स्ट देखो हमारे बुक में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है तो मैं भी ले आई पर मैं अभी आपको बता देती हूँ जम्मू कश्मीर आज के टाइम पर स्टेट नहीं है यूनियन टेरिटरी है ओके okay, तो ये जो भी अभी तुम पढ़ोगे आर्टिकल 370 के बारे में इट इज़ नॉट दैट वैलिड अभी पर फिर भी क्योंकि लिखा हुआ है तो हम इसे पढ़ लेते हैं कि था क्या हमारा आर्टिकल 370 ठीक है तो आर्टिकल 370 में हमने जम्मू एंड कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस दे रखा था ठीक है एंड जम्मू एंड कश्मीर की थोड़ी बहुत हिस्ट्री तुम्हें बता बता रखी है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर ओवर कश्मीर आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने कश्मीर के लिए एक लड़ाई लड़ी एंड ऐसे सिचुएशन में कश्मीर के जो तब के राजा थे उन्होंने डिसाइड करा कि हमें तो इंडिया को ज्वाइन करना है एंड ये मतलब एक एक्सेप्शन था उस टाइम पर ऐसे जो भी रीजन्स थे जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करा था पर जम्मू एंड कश्मीर के साथ ऐसा नहीं हुआ ठीक है तो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा स्पेशल था तो हमने अपने संविधान में जम्मू एंड कश्मीर को उस टाइम पे थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रखी थी ओके और क्या क्या थी वो स्पेशल ट्रीटमेंट ये डिस्कस करते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ओनली लिमिटेड पावर्स ठीक है तो ऐसा था कि जम्मू एंड कश्मीर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर रहती थी ओके यूनियन लिस्ट एंड लिस्ट कैन बी कानकर ओनली विद कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मल स्टेट में क्या होता है यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बना सकती है जम्मू कश्मीर में कैसा था कि अगर हमें कोई कानून बनाना है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन कंसेंट लेना पड़ेगा जिसके वजह से जम्मू एंड कश्मीर की पावर कंपेरेटिवली थोड़ी और इंक्रीज हो गई थी ठीक है हाँ तो ये थोड़ा पुराना पुराना लिखा हुआ है हमारे बुक में इसीलिए मैंने डिस्कस कर दिया आ, और कोई रीजन नहीं है इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है एंड आई होप आप लोगों को अब ये चैप्टर सुपर क्लियर है अब अगर ये पेपर में आता है तो तुम लोग मचा कर आओगे आ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर से रिलेटेड चाहिए और हाँ अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताती हूँ अभी सात बजे सात बज गए क्या पाँच दस मिनट है ठीक है अभी सात बजे ह्यूमैनिटीज़ वर्सेस कॉमर्स होने वाला है इसी चैनल पर मैं रहूंगी वहां पर और मुझे कॉमर्स बिल्कुल नहीं आती ठीक है साइंस का मुझे पता है ह्यूमैनिटीज़ मुझे आती है कॉमर्स बिल्कुल नहीं आती तो तुम लोग आ जाना ठीक है थोड़ा गूगल वूगल करके मदद कर देना यार ठीक है और कल तीन बजे वैसे तो कल संडे है पर सिर्फ तुम लोगों के लिए ठीक है मैं आ रही हूँ तो तुम्हें भी आना है बजे इस चैनल पर नहीं आ रही मैं हमारा एक और चैनल है सी यू टी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन मैं यहां पर लाइव आ रही हूं और हम लोग यहां पे मेंटी करने वाले हैं आप लोगों को मेंटी बहुत पसंद है आप लोग बोलते भी रहते हो दीदी मेंटी करा दो तो करा रही हूं यार मेंटी कल आना तीन बजे सब लोग टाइम से पहुंच जाना ओके okay? चलो सो दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू